आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताएंगे जिनको शुरू कर आप बेहतर कमाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी खास ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन सभी बिजनेस के लिए आपको सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाती है। पहले नंबर पर आता है डेयरी उद्योग। जी हाँ, आज के इस दौर में डेयरी का कारोबार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको एक अच्छी गाय 30,000 तक की कीमत में और एक ठीक ठाक भैंस 50,000 से 60,000 में मिल सकती है। आप एक या दो पशुओं के साथ अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे, दूध का कारोबार स्वर्णिम है। आप कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं या फिर लोकल स्तर पर दूध बेचने वालों से भी संपर्क साध सकते हैं। दूसरा बिजनेस है अपनी फुलवारी का। आज फूलों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी लीज पर थोड़ी सी जमीन लेकर फूलों की खेती कर सकते हैं। कई ऑनलाइन वेबसाइट से संपर्क कर आप सीधे अपने फूल बेच सकते हैं। सूरजमुखी, गुलाब, गेंदे की खेती बेहद फायदे की है। ये बिजनेस आपके दोनों हाथों में लड्डू देगा, वो भी घी के। तीसरा बिजनेस है पेड़ों का। अगर आपके पास एक या दो बीघे की भी खेती है तो आप उसमें शीशम, सागौन जैसे बेशकीमती पेड़ लगा सकते हैं। व्यवस्थात्मक तरीके से की गई खेती से 8 से 10 साल बाद यह आपको करोड़पति बना सकते हैं। ध्यान रहे, 40,000 की कीमत का एक ठीक ठाक शीशम का पेड़ बिक ही जाता है। सागौन का पेड़ तो उससे भी कीमती होता है। अगला बिजनेस है शहद का। शहद निकालने के लिए मधुमक्खी पालन का बिजनेस सालों पुराना है, लेकिन वक्त के साथ अब इसने पेशेवर रूप ले लिया है। आप 1 से 1.5 लाख में थोड़े साधनों के साथ यह काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, लेकिन यह काम भी आपको भरपूर मुनाफा देगा। बात करते हैं सब्जियों की खेती की। परंपरागत रूप से गेहूं चावल की खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन छोटी जमीन की चार दीवारी या घेराबंदी कर सब्जियों की खेती आपको मालामाल कर सकती है। हरियाणा के घरौंदा में भी ऐसा ही एक सेंटर बनाया गया है। मिर्च, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियां आपकी जेब भर देंगी। अगला बिजनेस है पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन का। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको थोड़ा ज्यादा निवेश करना पड़ सकता है। मुद्रा लोन इसके लिए आपकी मदद कर सकता है। एक बार काम शुरू हो जाने पर आपकी शुरुआती कमाई 15 से 20% मुनाफे के साथ शुरू होती है। अगला बिजनेस है बांस की खेती का। बांस ऐसा पेड़ है जिससे कई तरह की रचनात्मक वस्तुएं बनती हैं। इससे मेज से लेकर झोपड़ी नुमा घर भी बन जाते हैं। इस पर काम करने वाली कंपनियों को इसकी खूब जरूरत होती है। प्रतिवर्ष एक पेड़ से यदि 5 क्विंटल बांस की पैदावार होती है तो 100 पेड़ों से करीब 500 क्विंटल का उत्पादन होगा। यदि किसी किसान के पास वर्तमान में 500 क्विंटल बांस है और वह उसे बेचेगा तो उस हिसाब से किसान की कमाई 1.5 लाख के लगभग होगी। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप जिस बिजनेस को करना चाहते हैं या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर उस बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।